तुम्हें भी ब्लास्ट नहीं करेंगे पहले से दो तीन के बीच में कितने टाइम तो जो दो ब्लास्ट है उसके साथ उसके बीच वाला लेटर होता है जी लेफ्ट साइड वाला स्क्रीन की और लेफ्ट साइड की वाले स्पेक्ट्रम भी की तरह से कि जी इज द हाईएस्ट पास ऑफ इट एंड देन आफ्टर दैट सी वी नो गो टू स्पेक्ट्रम तो ये मेन इन ग्लासेस का काम ऐसे रखते हैं कि उनके जो साइड टेबल की ग्लासेस है वहां से आप किस तरह से इन ग्लासेस का ओके तो या तो हम देखते हैं सी को अब सी से आधा से ऊपर लेके हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे हम बी से आधा से फिर से लेके सी की पे आते हैं तो अगर आप किसी भी लेटर पे मान लीजिए आप लेटर सी तो अगर सी से आप तक ऊपर लेके कैसे जा रहे हैं यहाँ पे तो इस की को आप बोलेंगे सी तो किसी भी लेटर से आप तक ऊपर लेके कैसे जा तो जहाँ पे आप गए वो टाइप लेटर टाइप की लिखी सी तो सी का ये डी है बी से आप तक ऊपर लेके जा का मतलब होता है
primary school professor. I want to ask the school, if he can use black kids, or if he's already black kids in his case, whether or not the point of the other is to do that or not. If it's really black kids, like when it's here, the three black kids, you can just left one. Yes. Don't you even wear any black kids, you know? With that, that is going to go on this. You can black kids, just a left one. So I have to ask you to make a keyword. Actually, white की पहले क्या है तो जैसे अभी मैंने पकड़ा है C, ठीक है? C से आधा step, half step to the right side, मतलब half step on white black की पे आ रहा है। तो ये जो black की है, क्योंकि ये C से half step ऊपर है, तो इसको आप कहेंगे C star, ठीक है? और B से ये half step नीचे, तो इसको बोलेंगे B star। तो ये black की जो ऊपर है, इनको हम ऐसे नाम देते हैं। अगर किसी लेटर से आप आधा से ऊपर लेके वहां आ रहे तो वो दूसरे तक का साथ होगा जैसे ये वाली जो थी अभी जो मैं आपको बता रहा था ये तीन ब्लैक पीस के सबसे लेफ्ट वाली तीन ब्लैक पीस के लेफ्ट वाले तो ये जो ब्लैक की है हम कौन से लेटर से ऊपर आ चल के आ गए हम जी से चल के आएंगे या एफ से अब चलना नहीं है एस के आस पास ऊपर लेके हम जा रहे हैं तो एक एस स्टार को ठीक है चलो जी से इसी जी के आगे जी हो ठीक है तो जी से हम क्यू से आगे जा रहे हैं क्योंकि हम जी से पी से आ रहे हैं यहाँ पे तो बात होगी जी से ठीक है चलो तो आप मेरे को जी से आकर एस स्टार के दो इसके दो नाम हैं जी फ्लैट और एस फ्लैट आपको समझ आया आपको टॉप और फ्लैट में डिफरेंस समझ आया हाँ ये जी का फ्लैट है और ये जी का फ्लैट है ठीक है और आई समझ आया आपको आई अंडरस्टैंड अभी जो मैं ये ओल्डर से लास्ट से ये जो स्टार्ट क्लास बता रहा हूँ तुम समझ आ रहा है कोई डाउट है इसमें तो अभी हमने जो ये किया ये बेसिकली रिवीजन है हमारी पुरानी क्लासेस का ये पियानो कीज के लेटर्स हैं और पियानो का लेआउट हमारा ऐसा होता है ये टू ब्लैक कीज है आगे थ्री ब्लैक कीज है ये तो दो ब्लैक कीज है उनके जो बीच वाला लेटर है लास्ट में कॉल डी उसके लेफ्ट साइड वाला इज सी डी के राइट साइड वाला इज ई फिर एफ फिर जी उनके बाद एक दीजा प्यानो लेटर्स ठीक है और प्यानो के डिस्टेंस मेजर करने का यूनिट जो होता है वोल्ट पर टन आस्पेक्ट तो आप अगर किसी एक की पे हो एंड देन यू मूव टू द की व्हिच इज क्लोजेस्ट टू इट दैट्स अ आस्पेक्ट मतलब आई विल फाइंड आउट द टू कीज व्हिच आर बिसाइड्स आर क्लोजेस्ट और नॉट दिस थिंग टू उन दोनों चीज के बीच में और कोई चीज है जैसे ये दोनों ने जो लिया है ये फिंगर वन टू थ्री फोर फाइव तो मेरी फिंगर टू और फिंगर थ्री सबसे पास है इन दोनों के बीच में कोई वाली चीज है फिंगर टू और फिंगर फोर इन दोनों के बीच में फिंगर थ्री है तो आई वॉन्ट से भी ज्यादा थी तो दिस फिंगर टू एंड फिंगर थ्री आर पास कर रहे फिंगर थ्री फिंगर टू एंड फिंगर फोर क्योंकि यहाँ से जाने में दो हाफ स्टेप लगता है तो राइट से फोर स्टेप ओके तो इट वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल हियर ए की से टू द क्लोजेस्ट की द हाफ स्टेप एंड ए की से टू द की विच इज क्लोज बट इज हैज टू हाफ स्टेप बिटवीन द इज अ फोर स्टेप ओके सो या दैट्स हाउ हाफ स्टेप एंड फोर स्टेप अब ये जो हमारी ब्लैक की है इनको हम वाइट की से जल्दी से एलिमेंट करते हैं सो वी सी की So, we use these symbols. This symbol is called star. It means we raise a note by half a step.
तो रेलवे लोन का काम करते हैं उस लेटर के राइट साइड वाला लेटर में ज्यादा लाइकिंग दैट इज जस्ट अ हाफ पेपर तो आई एम टॉकिंग अबाउट लोन विद ई एस स्टार सो आई सी इज अ लेटर एस इज ऑन द पेपर में लेटर एस स्टार है एंड एस को मैं रेज करता हूं हाफ पेपर को लाइक सी इज हैपनिंग इन अ फ्रेम में वहां से हाफ पेपर आगे जाए सो दैट इज एस स्टार For example, अगर मैं बोली थी आप मुझे तीन स्टार हो जाते तो आप अपने ख्याल पर देखोगे सी पर दो ब्लैक चीज के साइड की होते हैं मैच लेफ्ट साइड में तो बैक सी और सी स्टार मतलब सी से फास्ट पे आगे सी फास्ट पे टू द राइट साइड तो सी से जो फास्ट पे आगे की है राइट साइड में दिस विल बी कॉल्ड सी स्टार सिमिलरली बी स्टार मीन यू टू बी बी से फास्ट स्टेप आगे वाली थी तो कोई भी लेटर आप लोग क्या रहते हैं उससे फास्ट स्टेप आगे वाली थी ताकि मैं फर्स्ट स्टेप से दिस इज एस स्टार सी से ऊपर है दिस इज बी स्टार ए से यहाँ ऊपर है दिस इज ई और बी से आगे कोई क्लास की नहीं है बट ई से फास्ट स्टेप ऊपर लेके रहा होगा एस पे तो एस को हम सी स्टार भी बोल सकते हैं बी से हाफ स्टेप ऊपर लेके आएगा मैं सी पे तो बी को हम आई सी को हम बी स्टार पे तो स्टार्ट का मतलब बस ये है कि कोई भी लेटर है आपका उससे हम हाफ पे आगे चले जाते हैं फ्लैग उसका एक्टिवेट तो फ्लैग मीन यू गो हाफ स्टेप तो अगर मैं आपको बोलूं ए फ्लैग तो सी बी right
Right hand to go up first, your time.
gorgeous shoes. Right back to the one in those shoes.
करना ये था उसका काम फिर अगले दिन के दिन तो बीस ठीक है तो तीसरे दिन के दिन पे अब तीसरे दिन आपने प्रेस कर दी अपना अंगूठा नीचे लेके जाएंगे और सीधे रखेंगे ऐसे अब अपना थंब नीचे लेके आओ सीधे रखेंगे आपका थंब नीचे ऐसे खुल जाएगा देखो ये फिंगर थ्री है ऐसे आ जाएगा अभी जो आपने सी बजाया ना उस फोर से उस सी को आप अपने थॉट से बजाते देखो आप आगे एस सात बजाइए एस नहीं बजाइए बच्चे इसके जो राइट साइड वाली ब्लैक की होगा ये और एस की जो एस सात बजाए एस सात देखो Thank you.
अपने दो चार अगर आप मेरे साथ में जा रहे हो तो प्लीज प्लीज दो ग्लास अगर आप किसी में जा रहे हो तो प्लीज चार तीन ग्लास जिससे आपकी प्रैक्टिस में जल्दी रिकॉर्ड सभी राइट हाथ आप क्लोजर में देखिए राइट हाथ से जो लगा रखे you are, thanking you all for today. Goodbye.